राम तुम्हारो वासो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण करा बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो वासो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम की उपासक प्रचारक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे तीर्थ बड़ाराम द्वारा चांदपुर जोधपुर के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत परमंस वीतराग परिव्राजक आचार्य तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पद पद्मों में वंदन करते हुए साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर समाधि जी के चरणों में बैठकर साधना और स्वाध्याय करने का आप और हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ। भाग्यशाली हम सभी महापुरुषों की चरण रज में बैठकर जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्रदान करने वाला क्षण होता है। भगवान की अटूट कृपा है हम सभी पर। भगवान की भक्ति करने का, भगवान का नामोच्चारण करने का, आत्मानुसंधान करने का, हम अपने जीवन में भगवत कृपा के अधिकारी बनने की चेष्टा श्री महाराज के वाग्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत भक्तमान स्वरूप नाम ग्रंथ, नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्यता को, भव्यता को, महत्ता को, विशेषता को आत्मसात कर नाम में प्रवृत्त होने की चेष्टा आप और हम सभी कर रहे हैं। नाम जापक प्रहलाद नाम निष्ठा में रचे पचे जिस तरह से शहद में मक्खी आने पर मक्खी फंस जाती है शहद में और उसी में डूब जाती है, ऐसे ही नाम रूपी शहद में प्रहलाद जैसे भक्त मक्खी के रूप में नाम रूपी शहद में फंसकर डूबकर
नाम रस से भीग कर नाम में रत हो जाना ये भगवान की कृपा है। नाम ने निर्भीक बनाया, नाम ने ही निष्ठा बनाई, नाम ने ही भरोसा दिलाया, नाम ने विश्वास दिलाया, नाम ने एकाग्रता प्रदान करी प्रहलाद की, नाम ने तन्मयता तल्लीनता सर्वत्र ईश्वर दर्शन सद्भाव चराचर सृष्टि में रज रज में कण कण में सृष्टि करता हरता धरता विधाता आत्म तत्व स्वरूप परमात्म तत्व का बोध होना ये नाम का प्रभाव है। जिस असुर कुल में प्रहलाद ने जन्म लेकर मां के गर्भ में 100 वर्ष तक नारद जी के मुखारविंद से सत्संग को आत्मसात करते हुए का फल है, ऐसे भगवत भक्त प्रहलाद का निर्माण सत्संग प्रभाव से नाम निष्ठा से नाम प्रभाव से रत होकर प्रहलाद की अनंत अनंत पिछली पीढ़ियों का कुल को तारने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वरूप में भगवान के दर्शन करके गदगद हो गए, अश्रुपूरित हो गए, वाणी वाष्प हो गई। नरसिंह भगवान की दिव्यता को देखकर आत्मविश्वास जागृत हो गया। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से पूछा, वरदान मांगा था कि दिन में न मरूं रात में न मरूं, तो नरसिंह भगवान संध्या के समय प्रकट हुए। संध्या न दिन है न रात है, मनुष्य से न मरूं पशु से न मरूं, इसलिए भगवान नरसिंह बन करके आए। नरसिंह न मनुष्य के रूप में है न पशु के रूप में है, विचित्र स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। न पूर्ण रूप से मनुष्य के रूप में माना जाता है देह, न पूर्ण रूप से पशु के रूप में माना जाता है। न जमीन पर मरूं न आकाश में मरूं, इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके अपनी जान पर लिटाया, जानों पर लिटाया। हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी सृष्टि के प्राणियों से भी मरूं, तो भगवान आप प्रकट भय विधि न बनाए। आपकी सृष्टि से न मरूं,
प्रहलाद की निष्ठा ने जड़ में से प्रभु केवल चेतन में ही नहीं जड़ में भी विद्यमान है और वह भी खंभ जैसा जड़, खंभ रूपी जड़ में से विधि के द्वारा बनाए हुए नहीं स्वयं प्रकट हुए हैं, खंभ फाड़ करके नरसिंह के रूप में न मैं सुखे आयुधों से मरू न गीले से। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, नख न सुखे ही कहते बनते हैं क्योंकि बढ़ते हैं, न गिले ही करते बनते हैं क्योंकि काटने में भी कष्ट नहीं होता है। बारह महीनों में नहीं बन, इसलिए भगवान 13वें महीने के रूप में पुरुषोत्तम मास मलमास के रूप में प्रकट कर दिया। अधिक मास बना करके अधिक मास के वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। जो जो वरदान मांगे उसके विपरीत भगवान ने सारा स्वरूप धारण किया। उसे सभी वरदान सुरक्षित रखते हुए बड़े बड़े नाखूनों से शरीर को चीर करके, पेट को चीर कर आंतड़ियां निकाल करके गले में धारण कर लेते हैं प्रभु, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। साधकों देखो तुम्हारी कोई शर्त अधूरी नहीं रही, नहीं भगवान ने कहा अब मार डालो तो कोई हर्ज तो नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षण, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, सिंह स्वभाव भागवत अपराध के कारण क्रोधवश, एक तो सिंह का स्वभाव है गर्जना करना, दूसरा भगवत भक्त प्रहलाद का अपमान करने के कारण अपराधी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान क्रोध करते हैं। इस शरीर से भक्त शिरोमणि का जन्म हुआ है, प्रहलाद की भक्ति से, प्रहलाद की निष्ठा ने, प्रहलाद के विश्वास ने हिरण्यकश्यप जैसे आतंकताई को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप जैसे आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान का अवतार सुनिश्चित हुआ नरसिंह के रूप में। भगवान के आंत निकालने का एक हेतु है कहीं इन आंतों में कोई और प्रहलाद बीज रूप में नहीं है। तत्पश्चात नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की राजसभा से ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठकर भगवान ने आसुरी संपदा का शोधन किया, लेस मात्र भी आसुरी संपदा नहीं रहनी चाहिए,
दंभो दर्पो विमानस क्रोध पार्श्वमेव च का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए आसुरी संपदा का शोधन करके सिंहासन को शुद्ध किया। भक्त तो प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे अतः बैठ कर प्रसाद बना दिया। भक्त और भगवान जिसको धारण करते हैं उसे शुद्ध बना देते हैं, जहां बैठते हैं उसे शुद्ध बना देते हैं, जहां सोते हैं उसको शुद्ध बना देते हैं, जहां चलते हैं जहां जहां पांव रखते हैं उस जगह को शुद्ध बना देते हैं। इसलिए भगवान सिंहासन पर आरूढ़ होकर आसुरी संपदा का शोधन करके उस सिंहासन को शुद्ध बना दिया। अब भोगे रोग भयं, जैसा कि राजा भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, वो वाला भाव भी अब नहीं रहा। क्रोध को न मार, यद्यपि दुष्ट मार डाला गया, प्रभु का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। प्रभु की दहाड़ता को देखकर देवताओं ने तरह तरह की स्तुति की पर शांत नहीं हुए। वैसे तो प्रथम तो क्रोध होता ही नहीं है, और जब होता है स्वरूपानुरूप क्रोध भी होता है, बहुत होता है, जल्दी शांत नहीं होता है, ये क्रोध का स्वभाव है। भगवान ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप के साथ सारी सृष्टि को भी समाप्त कर दो, अब सृष्टि रचना बंद कर दो, क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे तत्व पैदा होकर के भक्तों को कष्ट देते हैं, इससे अच्छा है कि मैं सृष्टि को रचना बंद कर दूं, सृष्टि समाप्त कर दूं। इसलिए भगवान का क्रोध पार नहीं था। ब्रह्मादि सृष्टि के अधिकारियों को चिंता पड़ गई, तब तो हमारा अधिकार पद महकमा आदि खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा सभी लोकपाल दिक्पालों ने भगवान की पृथक पृथक स्तुति की, परंतु फिर भी भगवान शांत नहीं। डरे सिंह अज आदि देखियो नहीं क्रोध ऐसो आवतन भिंग कौ लक्ष्मी हूं त्रास है। अब तो पठायो प्रहलाद अहलाद महा अहो भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाई लियो शीश पर न हाथ दियो दिहियो उलसायो कहीं वाणी विनय रास है। आई जग दया लगी परियो में नरसिंह जू को अरियो यो छुटायो करियो माया ज्ञान न सहे। शिव ब्रह्मा आदि नरसिंह भगवान की क्रोध को शांत करने के लिए तरह तरह की स्तुति करते हैं। हरि प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आप अपने प्राण धन, आप अपने प्रियतम प्राण धन को के क्रोध को शांत करते हुए उपाय करें। लक्ष्मी जी ने कहा जरूर, मैं प्रियतमा हूं, मैं जरूर शांत करूंगा। लक्ष्मी जी मनाने के लिए आई तो परंतु नरसिंह भगवान ने एक घुड़की लक्ष्मी जी को भी दे दी। सुनते ही देखते ही भगवान का विकराल रूप देखकर
लक्ष्मी की तो वो भागी वो भागी वो भागी वो एक क्षण भी नहीं टिक पाई, भाग गई वहां से। इसलिए सब खुरापात तुम्हारे कारण हुई। लक्ष्मी जी भागी। कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन आता है लक्ष्मी जी ने डर के मारे अंत में सब लोगों ने प्रहलाद कहकर इनकार कर दिया कि पति तो भगवान विष्णु है, पति तो भगवान विष्णु है और विष्णु तो शांत है। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं, ये तो नरसिंह है, विष्णु नहीं है, ये तो नरसिंह है, मैं कैसे पास में जाऊं। ऐसा भी कहीं उल्लेख मिलता है। अंत में सब लोगों ने प्रहलाद को ही प्रभु के पास भेजने की योजना बनाई। देवता स्तुति कर करके थके, लक्ष्मी जी मना के हारी, अन्य दिक्पालों ने भी जो है वो भी हार गए। तब भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद को उठाया और उठाकर दूर से ही भगवान नरसिंह की गोदी में प्रहलाद को फेंका और प्रहलाद को पाकर नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे 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 शांत हो गया, मुस्कुराने लगे, वात्सल्य स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे वात्सल्य रस पूर्ण पिता अपने लाडले बेटे को देखते गोद में उठा लेता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह ने वात्सल्य स्वभाव से भर करके प्रहलाद को बाहों में लेकर से सूंघने लगे, चूमने लगे, अपनी जिह्वा से शरीर को चाटने लगे। भगवान का यह वात्सल्य स्वरूप है। राम राम लेने पर हिरण्यकश्यपु ने खींचकर, हिरण्यकश्यपु ने खींचकर अपनी गोद से पटक दिया था उसी राम नाम में रक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोद में लेकर के आह्लादित कर दिया, प्रहलाद को प्रमोदित कर दिया। कहीं मेरे प्रहलाद को पटकने से, हिरण्यकश्यपु की गोदी से पटकने से कहीं दर्द हुआ, कहीं पीड़ा पहुंची हो, बड़े बड़े पहाड़ों से डाला, पहाड़ों के नीचे दबाने की चेष्टा करी, उबड़ खाबड़ पत्थरों में डालने के लिए का प्रयास किया, ऐसे प्रहलाद को न जाने कितनी चोट लगी होगी। इसलिए भगवान नरसिंह की वात्सल्यता प्रकट होकर जो है उन्हें हाथ फेर करके जीभ से चाट करके सारे दर्द को पी गए, कोमल बना दिया प्रहलाद को। भगवान ने बड़ा प्यार किया प्रहलाद का। प्रहलाद जी अभी अभूत बालक की तरह नरसिंह भगवान की दाढ़ी मूछ पकड़ लेते हैं और खींचते हैं, मुंह खोलकर दाढ़ी गिरने लगते हैं, गले में हाथ डालकर झूल जाते हैं। ऐसी विविध बाल लीला करते हैं प्रहलाद ने। भगवान ने पूछा, प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, प्रभो आपके इस भयानक मुख, लक लपाती हुई जिह्वा, सूर्य के समान तेजस्वी नेत्र, चढ़ी हुई भौहें, पैनी दाढ़ों, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन की बाली बालों और बर्छे की तरह सीधे खड़े कानों और दिग्गजों को भी भयभीत करने वाले जो सिंहनाद और शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले आपके इन नखों को देखकर मुझे तो तनिक भी भय नहीं हो रहा है।
नाम विरम्य जिता ते अति भयानकस जिव्याकम नेत्र भिकुटी भिकुटी रभ सौ शोक्त दृष्टान्तः आंत्रस्त्रजः क्षतज केशरः संकुकर्ण जित अत्रि ही ध्यात भीत दिग्भादरी भिन्न खग्रातः। प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान की बड़ी स्तुति की। प्रभु ने प्रसन्न होकर के मन भाव का वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने बालक होने पर वर याचना को प्रेम भक्ति में विघ्न समझकर भगवान ने कहा, प्रभु जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी सेवा करता है, जो सेवक आपकी सेवा करता है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी सेवा करता है वह सेवक नहीं है। वो सेवक सेवक नहीं है जो सेवा करके कामनाएं अर्जित करता है, भगवान से निवेदन करता है, भगवान मैं रोज आपकी माला फेरता हूं, मैं रोज आपके चरणों की सेवा करता हूं, आपकी चाकरी करता हूं, मुझ पर अनुग्रह करो, कृपा करो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, राम मेरी इच्छा पूरी हो जाए। साधकों तरह तरह की प्रार्थना को सुनकर वो कामना नहीं रहती है। निष्काम भक्त वही है जिसमें किसी प्रकार की याचना ना हो, भजन से याचना ना हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति की भी जिसको इच्छा नहीं हो, भगवान से कहे, भगवान हमें आपसे किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं, आपका भजन करते करते यदि हम आपसे कुछ मांग रखते हैं तो फिर हमारा भजन सार्थक कहां हुआ? भजन सार्थक नहीं हुआ। साधकों ठाकुर की सेवा करते करते ठाकुर से याचना का भाव जागृत हो जाए, ठाकुर की सेवा सेवा नहीं कहलाती है। जिस तरह से मजदूर दिन भर मजदूरी करते करते शाम को मालिक से कहता है मुझे अपनी पगार दे दो, अपनी पगार दे दो, श्री महाराज ने स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में ऐसे सेवक को भाड़े की जान कहकर भाड़े की शब्द कहा है। वो भक्त नहीं है जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, साधकों लिस्ट मात्र भी कामना नहीं है। प्रहलाद कहते हैं हे भक्त शिरोमणि नरसिंह भगवान, स्वप्न में भी आपसे किसी प्रकार की भजन के बदले याचना करना ये मेरी मूर्खता रहेगी। मैं आपका निष्काम सेवक हूं। सेवक वही है जो सेवा करता है। मैं आपका निष्काम सेवक हूं। निष्काम सेवक होने का आशीर्वाद मुझ पर दे दीजिए। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, निरपेक्ष, भला क्या लेना और क्या देना, आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपसे किसी तरह की याचना नहीं है। जब भगवान ने प्रहलाद से मांगने का बहुत आग्रह किया तो वे बोले हे वरदान शिरोमणि नरसिंह भगवान,
यदि आप मुझे मुमां का वरदान देना चाहते तो वर दीजिए, मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो, किसी तरह की कामना उत्पन्न न हो। भक्त के हृदय में कामना का बीज अंकुरित होने पर कामना की फसल पैदा हो जाती है, वो भक्त भक्त नहीं कहलाता है, वो सेवक सेवक नहीं कहलाता है। निष्काम भक्त होने के बीज अंकुरित हो भक्त के जीवन में, वही भक्त सबसे श्रेष्ठ है, वही भक्त कहलाता है। सुदामा अपने जीवन में किसी भी प्रकार की स्वप्न स्थिति में भी आकर के कभी याचना नहीं करी है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है और अंतर्यामी शब्द पर भरोसा है। क्या भगवान को पता नहीं है कि मैं किस दिनहीन की स्थिति में रह रहा हूं? कहते हैं कि भगवान की दृष्टि चारों तरफ है। भक्ति योग में योग क्षेम वहाम्यम भक्ति प्रियो माधवा, भगवान कहते हैं मेरे को भक्ति प्रिय है, और ऐसे भक्त की योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। गीता के 12वें अध्याय अनुसार उसकी योग क्षेम का वहन करता हूं। जब योग क्षेम का वहन भगवान खुद करते हैं, वो तो तब करते हैं जब भक्त की भक्ति माधव को प्रिय है। दिन रात जो भगवान के आश्रित है, भगवान की शरणागत है, भगवान के लिए ही जीते हैं, और भगवान की भक्ति के सिवा भगवान को अपना बनाने के अलावा वे कुछ करते ही नहीं है, ऐसी चाहना और ऐसी भक्ति करने वाले पर दृष्टि भगवान की सदा सर्वदा बनी रहती है। इसलिए भगवान अंतर्यामी है, ऐसे अंतर्यामी भक्त भगवान की एक रूपता सार्थक होती है। इसे सुदामा ने कभी भी अपने जीवन में भगवान से किसी भी तरह की याचना प्रकट नहीं की। द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचने पर भी सुदामा ने वहां मांगा नहीं है, खाली हाथ भेजा तब भी सुदामा के मन में किसी तरह का खलल पैदा नहीं हुआ, कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया। बार बार मेरी ब्राह्मणी के कहने पर द्वारिकाधीश के चरणों में आया, पर द्वारिकाधीश ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया। पीताम्बर भी जो स्नान करके पहनाया था वह भी वापस खुलवा लिया, इस तरह का भाव भी जागृत नहीं हुआ। ऐसे निष्काम भक्त सुदामा को जिस तरह से भगवान द्वारिकाधीश छप्पर फाड़ के देते हैं, वहां जाकर आश्चर्य करते हैं, डरते हैं, अरे मेरी झोपड़ी की जगह नौखंड का महल कैसे खड़ा हो गया। हालांकि मैं सुदामा का चरित्र सुनाने नहीं बैठा, मैं तो बात यहां इसलिए कर रहा हूं, भगवान भक्त वत्सल है। निष्काम भक्ति का बीज अंकुरित हो भगवान से किसी तरह की याचना। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, प्रार्थना करके भगवान के सामने लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हैं। जैसे घरवाली अपने पति के सामने ऑफिस जाते वक्त या फोन के द्वारा लंबी सारी लिस्ट रख देती है, आज ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना, भगवान भी कहते हैं देखो ये मेरा भक्त
रोज आकर के टंकोरा बजाता है, मेरे को परेशान करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे कानों में डिस्टर्ब होता है, और देखो फिर यहाँ याचना करता और ऊपर से कहता मैं आपका भक्त हूं, मेरा यह काम नहीं किया तो देख लेना फिर। कभी कभी तो भक्त आना भी बंद कर देते, कहेगा भगवान मेरी सुनता भी नहीं, तेरे को मनुष्य शरीर दे दिया तब तो सुना, तेरे को अच्छा घर मिल गया, तेरे अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छी लुगाई मिल गई, सब कुछ मिल गया, और एक इच्छा तेरी पूर्ति नहीं करी तो तूने भगवान से मुंह मोड़ लिया। भगवान कहेगा भगवान है? आजकल तो मैं भगवान के सब मंदिरों में जाना छोड़ दिया, सारे भगवान मेरे बस हृदय में है, बस कुछ नहीं है, मैं सब जानता हूं, भगवान भगवान कुछ नहीं है। ऐसा भी लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अपने पति की रक्षा के लिए महामृत्युंजय का जप करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी काल कल्वित हो जाते हैं अपने प्रियजन, तब हताश होकर के कहती है धर्म पत्नी, मैंने पाठ पूजा कम किए क्या? मैंने मंदिर चौखट पर चढ़ चढ़ करके मैंने चौकटे घिस डाली, सीढ़ियों की सीढ़ियां जो है मैंने घिस डाली, प्रणाम कर करके मैंने हर तरह की इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करी, फिर भी भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे आत्मा को जिंदा नहीं रखा। कहेगा भगवान? हम भगवान को नहीं पूछते। आपसे मैं एक वर और मांगता हूं, वर देना ही चाहते हो, हृदय में कभी भी किसी भी तरह का कामना का बीज अंकुरित नहीं। दूसरी बात, आपके स्वरूप को बिना जाने मेरे पिताजी ने आपसे और आपका भक्त होने से मुझसे भी द्रोह किया। आपसे प्रार्थना करता हूं वे इस महत अपराध से मुक्त हो जाए जो आपसे किसी ने द्रोह किया। द्रोह करने वाले मेरे पिता को महद अपराध से मुक्त कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा निष्पाप प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसे मां भागवत पुत्र उत्पन्न होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती है, तुम्हारे जैसे भगवत भक्त की उत्पन्न होने पर 21 पीढ़ियां कर जाती है। प्रहलाद, तुमको मेरे सभी भक्तों के आदर्श, सब भक्तों के आदर्श, भवान में खनो भक्तानाम सर्वेशम प्रतिरूप भृग। तदनंतर भगवान प्रहलाद की इच्छा न होने पर भी एक मनवंतर पर्यंत पिता के पत्र प्रतिष्ठित होकर मुनियों की आज्ञा के अनुसार देवियों का शासन करने का अनुमोदन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक मनवंतर पर्यंत जो है अपने पिता की राजगादी को संभालो और शासन करो। शासकों, जगत के जीवों पर दया करके प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभो आपकी माया अत्यंत प्रबल है, अत्यंत प्रबल है, ये संसार का ये मायावी वातावरण इतना भयावह है, इतना भयावह और इतना आकर्षक रूप है, हर कोई पिघल जाता है और आपसे वंचित हो जाता है, आपका नाम लेना छोड़ देता है, इतना इसमें चुंबकीय आकर्षक है। साधकों, भक्त प्रहलाद कह रहा है, साधारण पुरुषों की कौन कहे, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान नाश करके मोह में डाल देता है, बड़े बड़े ज्ञानी चकरा जाते हैं आपकी मोह माया में पड़कर, भगवान को भजना भूल जाते हैं, पता नहीं कौन से जन्मांतरों की मोह माया ऋषि मुनियों के और ज्ञानियों के हृदय में छा जाती है, जिससे मोह रूपी अंधकार छा जाने पर उनसे न चाहने पर भी नाना प्रकार के कर्म हो जाते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, गीता के
मतानुसार काम और क्रोध के प्रभाव के कारण रजोगुण की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। अतः आप कृपा करके इस माया का सर्वथा नाश कर दीजिए। स्वप्न में भी मेरे जीवन में माया का प्रभाव न पड़े किसी भी तरह से। भगवान ने कहा माया नाश करने पर तो कुछ भी रह नहीं जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, प्रपंच तो माया से ही भासमान है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं माया का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि माया के प्रभाव से ही ये संसार है। माया का आश्रय लिए बिना भगवान भी सृष्टि पैदा नहीं करते। भगवान ने धरती पर अवतार लिया तो माया के रूप में जो है यशोदा के गर्भ से माया के रूप में पैदा हुए, और भगवान खुद कृष्ण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके देवकी के उदर से पैदा हुए। तो माया का आश्रय तो भगवान को भी लेना पड़ा, साधारण जीवों की बात ही क्या है। भगवान ने हंस करके कहा प्रहलाद करुणा परवश हो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु समस्त संसार के जीवों को आप अपने वैकुंठ लोक में वास देते हैं, समस्त लोगों को वैकुंठ में वास देते हैं। भगवान ने हंस करके कहा वैकुंठ जाओ, ये लोग तो वैकुंठ चाहते ही नहीं है, किसी को वैकुंठ में आने की परवाह ही नहीं है। मैं कैसे वैकुंठ दे दूं बिना चाहने पर? जिसको इच्छा ही नहीं वैकुंठ में जाने की, उसको जबरदस्ती में वैकुंठ में कैसे भेज दूं? जरा तुम प्रयोग करके आ जाओ। प्रहलाद तुरंत अपने परिवार के बड़े 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 लोगों के पास में गए और कहा हम तुम्हें वैकुंठ में भेजते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे चाचा ताऊ जितने भी बड़ी लोग हैं उनको मैं वैकुंठ भेजना चाहता हूं, तुम वैकुंठ जाओगे? अरे वारे जा रे जा, तेरे बाप को तो तूने मार करके वैकुंठ भेज दिया, हम बच्चे हमारा सत्यानाश करने के लिए तू यहां आया, चल यहां से, हमें कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं जाना है। बेचारा प्रहलाद चुप वापस आ गया। सुअर को देखा, सुअर के पास में गए प्रहलाद और सुअर से कहा सुअर तुम इस जिंदगी से ज्यादा अच्छा है, आज मैं तुम्हें वैकुंठ भेज रहा हूं, इस योनि को छोड़ो, भगवान की कृपा से तुम वैकुंठ जाओ। सुअर ने कहा नहीं, इस गंदगी में रहना ही मुझे अच्छा लगता है, वैकुंठ में क्या ये गंदगी मिलेगी? क्या भगवान, क्या वैकुंठ में कीचड़ मिलेगा? नहीं तो बस मुझे धरती अच्छी लगती है। सुअर जैसे का जवाब सुन करके भगवान के पास मुंह लटकाए हुए प्रहलाद वापस आ गए। कहा कि तुमको भी वैकुंठ प्रिय नहीं है, मुंह बस उसी में सुख मान लेता है व्यक्ति, ये मुंह बस है, जिसको कीचड़ अच्छा लगता है उसको भी जो है मुंह अच्छा नहीं, उनको जो है वैकुंठ अच्छा नहीं लगता है। जब तक मुंह के अंधेरे कोठड़ी में व्यक्ति अपने आप को सुख मानता है, वो व्यक्ति सुख छोड़ना ही नहीं चाहता है कि मेरे को तो इसी में सुख अच्छा लगता है। मक्खी को बार बार गंदगी से उड़ाओ फिर भी घूम फिर करके मक्खी वही बिस्तर पर जाकर के बैठती है, क्योंकि उसने अपना सुख उसी में मान रखा है। ऐसे जीव का स्वभाव है कि वह सुख छोड़ना ही नहीं चाहते। अस्तो घड़ी का काटा बड़ी तेजी से भाग रहा है, विराम देने को विवश कर रही है घड़ी। आज का अंचल श्री कृष्ण जी गहलोत परिवार का है, मैं इस पूरे परिवार का हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा से गहलोत परिवार की रामधारी की प्रति निष्ठा रही है और आगे भी निष्ठा इसी तरह से आपके सद्भाव से सब प्रभावित है।
ऐसी निष्ठा बनी रहे और इसी तरह की सेवा करते रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ आगे जो भी प्रसंग होगा हम कल सुनाएंगे। राम।